अपने स्टूडेंट से किस तरीके से बात करता है और किस तरीके से उसका रवैया रहेगा, मुझे इन चीज़ों पे काफ़ी चीज़ सोचनी पड़ी। बट एज ए एक्टर के लिए इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस ourselves। मेरा रोल बहुत ही चैलेंजिंग था बट मैंने उसको बहुत ही बखूबी से निभाया है। और एक कॉलेज में, मतलब कॉलेज का लड़का रहता है, पहले मेरा दोस्त रहता है, बाद में प्यार करता है, फिर धोखा देता है और उसी दौरान मेरी शादी हो जाती है, मुझे बदला लेना पड़ता है। तो इस टाइप की स्टोरी है। आशा जी, आपका किरदार इसमें किस तरीके का? वही नॉर्मल जो हर फिल्म में रहता है, एक प्रेमिका का है और रोमांटिक गाने। आपने एंजॉय किया कि इस सेट पे? मैंने बहुत ही एंजॉय किया और मतलब कभी कभी नर्वस भी हो गई थी। ये मेरी फिल्म है, एक सवाल भाई बनी है आपसे, सवाल है। और मोदी जी के बारे में कहा था, तो हाँ जी, क्या कहना उस बारे में? और जब आप उनके बारे में बात करते हैं, आपकी क्या ख्याल है उनके बारे में और क्या वजह थी आप उनके बारे में बात करें? मैं इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये कविता मेरे हमारे जो एक आदर्श समाज में एक अच्छे गुरु हैं, उन्होंने लिखी है लाइनें। बट ये लाइनें इतनी, मैं ये सोचने लगा कि हमारे देश में जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था, जब हम शूटिंग में गए थे इस फिल्म की, तब इस मोदी जी के दौर में जो चल रहा था और हम सब देख रहे थे, तो ये जब लाइनें जब मुझे बोलनी थी, तो मुझे लगा कि ये लाइनें तो बिल्कुल ही सटीक मोदी जी को दर्शाती हैं। क्योंकि अदला आला के लिए जिसने झुकाई आँखें, जो ऊपर वाले के लिए झुकता है उसके लिए सारी दुनिया झुकती है, जो सबके लिए नमन है वो सब सारी दुनिया उसको नमन करती है। तो मतलब ये पूरी लाइनें पूरी सटीक थी और जिस जो सिचुएशन है फिल्म के अंदर, जिसके दरमियान मैंने ये शब्दों को इस्तेमाल किया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो फ्रेंड नो। आई थिंक पहली बार ऐसा लगा है कि एक क्रिएटिव बंदा, एक एक्टर, एक राइटर